देखिए, धारा 370 के माध्यम से पूरे देश को अंधेरे में रखने का काम किया गया और ख़ासतौर से जम्मू कश्मीर को विकास की धारा में से रोकने का काम किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब धारा 370 हटाएगी तो आज देखिए जम्मू कश्मीर में सब विकास भी हो रहा है और सब लोग भी खुश हैं, आतंकवाद की घटनाओं में भी बहुत कमी आई है। तो विशेष रूप से वर्ग विशेष द्वारा धारा 370 को प्रमोट करके किस तरह से जम्मू कश्मीर को एक आतंकवाद की इंडस्ट्री बनाया गया उसका पर्दाफाश इस पिक्चर में किया गया और इसलिए हम उसको पिक्चर का आज स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सर, दिल्ली के प्रेस PIL लगाई गई है, CBI भी जो है इसमें कैसे देखते हैं कि उनको हटा देना चाहिए बिकॉज जिस तरह से उनके स्कैम सामने आए हैं। देखिए, वैसे तो अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि उसमें नैतिकता नाम की कोई जगह है नहीं। और PIL जिसने भी डाली होगी उनकी अपनी कोई सोच होगी। मुझे लगता है जांच एजेंसी अपना काम करे, माननीय न्यायालय इसमें अपनी समीक्षा करेंगे, जो निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिस जिसने चोरी की है, जिस जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। सत्येंद्र जैन के वीडियो हम सब ने देखे थे कि जेल में किस तरह से अय्याशी कर रहे थे और ये शिकायत बहुत काफी समय पहले माननीय उपराज्यपाल जी ने इसकी सिफारिश की थी। मैं इस जांच का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि और भी इसमें कई तथ्य सामने आएंगे। जाने के मामले में विरोध में कल रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हो रही है, विपक्ष के सभी नेता होंगे उसमें, डेरिक ओब्रायन और राहुल गांधी भी सम्मिलित हो रहे हैं, किस तरह से आप देखिए जितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं आप उनका जरा एक बार पूरा का पूरा चरित्र देख लीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जो और भी नाम है, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चोरी के आरोपों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। तो एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो देश की जनता उस संदेश को समझती है और जानती है कि सब भ्रष्टाचारी दल हैं, इनके इकट्ठे होने से कोई फायदा नहीं होना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है। एक फ्रेश अपील की गई है इन सेना के जुड़े हुए व्यक्ति हैं विष्णु गुप्ता के, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, किस तरह से? देखिए, हमारे लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, तो अगर उन्होंने न्यायालय के सामने कोई अपना पक्ष रखना है तो रखेंगे, निर्णय माननीय न्यायालय को देना है।